यार क्या कर रहे आगे तू मेरे भी आगे जाना पड़ेगा भाई। सत्ता चीज नाखून है ना तो आसानी हो जाती है। इसीलिए नहीं जिसके बाद नाखून नहीं ब्लू स्काई चला जाए। अरे हम भी रुके हैं अभी आपस में हम इसे नीचे करो चल स्प्रेड कर देंगे। बंदर बन के आ गया भाई नीचे आ जा। एंड लेट्स हैव द फोटो ऑफ द फाइनल फोटो ऑफ। हां एक फोटो लेके बैठ जा तू आराम से। चलो मैडम जी सर आ रहा आप। मैडम जी ये क्या हो रहा है यार लिक्विड वैसी नहीं रही है बहुत टेंड आएगा। Hold down. Keep smiling for few more. मैं एक फाइनल फोटो में आ जाती हूँ। क्या करोगे प्रश्न पुष्कर भाई ले लियो नहीं भूल जाएंगे। फोटो मारो और मारो पर्सनल फोटो पर्सनल मारो। एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। हमने उसको इंजॉय भी किया और स्ट्रगल भी किया एक ढंग से कि एक कैमरे के सामने आना एक एक्टिंग करना डांस का पोज देना चेहरे का एक्सप्रेशन के बारे में। रुपेश जी ने इसमें बहुत हेल्प किया। उनकी ही जो भी उन्होंने हमें सिखाया उसकी बदौलत ही हम इतना कर पाए जो आप लोगों को शायद पसंद आए। मैं बहुत आभारी हूँ उनके क्योंकि ये लोग भी फिल्म इंडस्ट्री के एक स्तंभ है और हमारे जैसे न्यू कमर्स के लिए वो आए इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। क्या करना चाहेंगे म्यूजिक वीडियो के बारे में और सर के बारे में इतने उम्र में इन्होंने कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश किया जो आम लोग नहीं कर पाते नहीं यंग हो या यंग ना भी हो एक्टिंग करने के लिए कोई उम्र नहीं होती और जिसको जब जो चीज़ ठीक लगे उसे कर लेना चाहिए और इन्होंने इतना अच्छा किया है तो उसके लिए तो इनकी बहुत तारीफ होनी चाहिए। जो लोगों ने कभी किया नहीं था जो चीज़ वो इन्होंने इस अभी आके किया फर्स्ट टाइम किया और इतना अच्छे से किया तो तारीफ के लायक है। मैम ये भी कहना चाहूंगा कि आज के दौर में म्यूजिक वीडियो तो काफी बन रहे हैं अच्छे ही बन रहे हैं लेकिन जो आपका गाना था सुन सर साहिबा सुन आज भी दिल दिमाग में असर करता है। बताएं कि वो मतलब जो होता है रस वो जो था उस जमाने के गाने के बारे में अगर कहा जाए तो आज के दौर के गाने के बारे में आप क्या कहेंगे अगर कंपेयर करें तो कंपेयर क्यों करेंगे। वो भी बहुत अच्छा था अपनी जगह जो आज है ये भी बहुत अच्छे है अपनी जगह। हर चीज अपनी जगह बहुत अच्छी होती है अपने जिस वक्त के हिसाब से जो चीज़ आती है वो अच्छी होती है। मेरी राय थोड़ी सी मंदाकिनी जी से अलग है क्योंकि मुझे लगता है पुराने गानों में बहुत ही डेप्थ थी और आज भी वो गाने नए हैं। हम कितनी बार भी लता जी मुकेश जी किशोर कुमार आशा भोसले कितनी बार भी सुन लें वो गाने आज भी दिल को छूते हैं और मेरे तो गाड़ी में मैं जब भी जाती हूँ शूटिंग करने या कुछ तो वो ही गाने मैं पिछले गाने सुनती हूँ। उनकी पहली लाइन से लेके आखिरी लाइन तक उसका मीनिंग था। पहली लाइन मतलब वो अभी आपको कितने गाने हैं जिनकी फर्स्ट लाइन और अंदर की लाइन्स जो अंतरे की लाइन्स हैं वो आपको याद है। स्थाई के बाद अंतरा पता ही नहीं होता है फर्स्ट लाइन ही पता होती है और उसी से गाना हिट हो जाता है बोलते हैं अरे ये गाना हिट है तो उसका कोई सेंस ही नहीं है कई गानों का। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि हर एक गाना ऐसा है। कुछ एक गाने आज भी म्यूजिक डायरेक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं सिंगर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे गाने लिखे भी जाते हैं लिरिसिस्ट बहुत अच्छे हैं लेकिन जो पहले के गाने हैं और अब के गाने हैं मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरा एक सवाल है मंदाकिनी जी से। जी मंदाकिनी जी जो इनका जो लव स्टोरी है वो कितना मतलब दिल से मतलब हार्ट होते हैं तो उसको गाने में प्रेजेंट करना
तो आप कल उनका कौन सा साल शादी का सालगिरह है, क्या कहेंगे? मैंने बोला ना बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। नहीं, इनका जो एक लव स्टोरी का जो एक एक उसमें मतलब दुख भी है। दुख है? आपने ध्यान से नहीं देखा। आप क्या पूछना चाह रहे हैं पहले क्लियर करिए। उनका जो लव स्टोरी उन लोग मिलने गए थे, मैडम ने कहानी बताया था, वो एक्सीडेंट के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। उसके बाद उनका लव हुआ, फिर भी उसी का प्रेरित होकर जो गाना उन लोगों ने गाया जी, उसके बारे में आपका मतलब क्या है? मेरा ये बोलना है कि बहुत लकी हैं, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी वो बिल्कुल ठीक हैं आज। तो ही शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि इतना सब होने के बाद भी दे आर स्टिल टुगेदर एंड दे आर हैप्पी। तो ये तो खुशी की बात है बहुत। यही तो सुनना चाहता था। मैं ये भी कहना चाहूंगा आपका भी म्यूजिक वीडियो आया था।